नमस्कार, मैं नीतू, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और आइए आगे की खबरों से रूबरू होते हैं। इलाहाबाद में हंडिया तहसील एवं प्रतापपुर ब्लॉक में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन किया, जिसमें बहुत से कार्यकर्ताओं के साथ आम आदमी का मेला दिखा। इसमें मुख्य अतिथि इंद्रजीत सरोज, विशिष्ट अतिथि वासुदेव यादव, आसिफ जाफरी, श्यामलाल प्रदेश सचिव आदि अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। चौराहे पर गए हुए हैं तमाम साथियों के साथ। इस नाते बाराबंकी में हर साल की भांति इस साल भी सिरौली गौसपुर के मोहम्मदाबाद में 18वां दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। जागरण की पहली रात्रि में माता जी का पूजा पाठ आरती की गई, उसके बाद रात्रि में नाटकीय कार्यक्रम प्रस्तुत की गयी। चलो, मैं फास्ट न्यूज इंडिया से धर्मराज यादव, मैं पहुंचा हूं बाराबंकी के ग्राम महमूदाबाद तहसील सिरौली गौसपुर जनपद बाराबंकी में। मैं महमूदाबाद ग्राम सभा में मौजूद हूँ। मैं यहाँ कमेटी के सदस्यों से और माँ की कृपा से मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। माँ कितनी सुंदर इन्होंने दर्शाई है, कितना सुंदर दर्शाई है, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम भी किया जा रहा है। कमेटी के लोग हैं, ये ट्रस्ट के लोग हैं, हम इनसे जानकारी ये चाहेंगे कि आप लोगों ने इतना बढ़िया मेंटेनियस झांकी बनाया है, बराबर निरंतर जो है प्रोग्राम भी चल रहे हैं। आज प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस के उपलक्ष्य में हम ये जानना चाहेंगे कि 9 दिन की नवरात्रि है और इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप लोग तन मन धन सब अर्पण करते हुए ये माँ के दरबार की झांकी को सजाया है। इतना प्यार, इतना मोहब्बत, इतना सब कुछ किया है और इसी मोहब्बत के साथ साथ मैं ये जानना चाहूँगा कि इसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना आने पाए और कोई जातीय भेदभाव ना पैदा हो। और इस कमेटी के सदस्य से मैं ये जानकारी चाहूँगा कि आप लोग कितने समय से मूर्ति रख रहे हैं, आप बताएँ। 18 साल मूर्ति लगातार महमूदाबाद में विराजमान है माता जी की और ये 18वां साल है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा विराम। जाने वाली सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल। योगी सरकार के गड्ढे मुक्त दावे प्रतापगढ़ में फेल होता नजर आ रहा है। अगर कोई आदमी रात को इस सड़कों पर जा रहा हो तो वह खतरे से खाली नहीं है। जिला प्रशासन की आंखों पर बधी है पट्टी, यह गड्ढे मौत का दावा दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा था गड्ढा मुक्त सरकार करेंगे, गड्ढा मुक्त सड़कें करेंगे, लेकिन दावे सारे फेल होते नजर आ रहे हैं। प्रतापगढ़ से महज 3 किलोमीटर दूर सड़कें पट्टी को जो है रखा को जोड़ती है, ये सड़कें सिर्फ आपको दिखाई देंगे। यहाँ से लेकर के कुछ दूर पर ऐसे जो है गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे, इससे जो है सवारियों या गाड़ियों को चलने से काफ़ी जो है दिक्कत है। अगर रात के अंधेरे में कोई आदमी अगर यहाँ से होकर गुजरे तो शायद मौत का जो है तांडव देखने को मिलेगा, इसमें बड़ा हादसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, जो है यहाँ के, इस पर जो है उनकी आँखों पर पट्टी बनी हुई है पूरी तरीके से, पूरा जो है यहाँ इसी रास्ते से ऐसे तमाम आपको और वीडियो दिखाएंगे पूरी तरीके से, बगल बगल बड़ा बड़ा गड्ढा है जो है। योगी सरकार के पूरी तरीके से प्रतापगढ़ में दावे जो थे वो हवा हवाई दिख रहे हैं। यहाँ के आला अधिकारी पूरी तरीके गड्ढा मुक्त का जो दावा था फेल होता नजर आ रहा है। हमारे साथ जो है एक ड्राइवर हैं, जो है रिक्शा चालक हैं, उनसे हम कुछ बातचीत करते हैं। क्या जो है योगी सरकार का जैसे दावा था जो है गड्ढा मुक्त सड़कें करेंगे, उस पर क्या विफल होती सरकार नजर आ रही है? ऐसे जो है रोडों पर जैसे आप आ रहे हैं पूरे रोडों पर इसी तरीका का गड्ढा क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, ऐसे गड्ढा ऐसे दिखा रहे दे रहे आपको, आप लोगों को गाड़ी चलाने में काफी दिक्कत है। बहुत दिक्कत है भैया, बहुत दिक्कत है।
यहाँ के राहगीरों का कहना है कि पूरी तरीके से जिस रोड से आ रहे हैं घंटा घर चौक से महज 2 किलोमीटर दूर है जो है खीरीबीर पुल से जो है नीचे उतरते वक्त बड़े बड़े गड्ढे, इसी तरीके के गड्ढे कई गड्ढे आपको दिखाई देते हैं। यहाँ के जो आला अधिकारी हैं आला अधिकारियों से बात करने पर ये कहते हैं कि गड्ढा मुक्त सड़क है, लेकिन गड्ढा मुक्त सड़क कितनी है आपको इस तस्वीरों में दिखाई दे रही है। प्रतापगढ़ से संजय पाल, फास्ट इंडिया न्यूज। वाराणसी में रोहनिया युवा फाउंडेशन के तत्वाधान में जागरूकता अभियान कार्यक्रम प्राइमरी विद्यालय के प्रांगण में नारी उद्यान के परियोजना का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बालिकाओं को गुड टच और बैड टच के साथ साथ यह जानकारी प्रदान की गई कि अपनी सुरक्षा किस प्रकार करें। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रांगण में वृक्षारोपण व पर्यावरण के लिए जागरूक भी किया गया। सीओ सदर अनिल कुमार ने बच्चों को यूपी पुलिस 100 वो 1090 महिला हेल्पलाइन के बारे में बच्चों को जानकारी दी। चौकी इंचार्ज जनक सिंह राजेंद्र कुमार ने विद्यालय के प्रधानाचार्य रवि श्रीवास्तव जी ने कार्यक्रम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बच्चों ये यहाँ के जो देवरा प्राथमिक विद्यालय है यहाँ के बच्चे बहुत अवेयर हैं। इनको 1090 100 नंबर और पुलिस की कार्ड वाले के बारे में बताया गया। पुलिस आपकी आपकी मदद के लिए न कि आप लोग को इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग कोई भी परेशानी हो किसी भी दिक्कत हो खासकर बच्चियों के लिए ये इनको अवेयर किया गया है कि 1090 पर भी बात कर सकती हैं और 100 नंबर पर भी जो है अपनी परेशानी बता सकती हैं। पुलिस से त्वरित कार्रवाई करेंगे और इनकी हेल्प करेंगे। अभी कुछ दिन पहले कप्तान साहब के आदेश पर शहर के अंदर 15 जनपदों में एक दिन के थाना पे एक छात्रा को नियुक्त किया गया था, क्या उसका रिस्पांस मिला है? इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इससे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस और बच्चे जो इनका दिमाग होता है एक बहुत ही कोमल होता है जो आसपास से सुन के पुलिस के वालों से डर भय पैदा किया जाता है, इसको दूर करने के लिए और उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि मैं हम लोग भी नेतृत्व कर सकते हैं और भविष्य में ये सब कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। आपसे भी कुछ प्रश्न पूछना है सुबह पूजा मनाने के लिए कुछ हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आप जो है शोर मचाइए, आसपास आपके जो भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनको बताइए, ठीक है, शोर मचाइए, चिल्लाइए और उनका प्रतिक्रिया। वाराणसी के चंदौली स्थित कच्छ मन रेलवे स्टेशन के समीप रोड के समस्याओं को लेकर पब्लिक में मची हड़कंप। पब्लिक का यह कहना है कि यहां आए दिन काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ दिन पहले रेलवे स्टेशन पर एक औरत का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया। उसको हॉस्पिटल ले जाते समय रोड खराब होने के कारण बाइक पलट गई और उसको चोट लग गई। वहां के प्रधान का कहना है कि यह रेलवे का जमीन है और वहां के विधायक सांसद किसी भी तरीके का कोई कार्य नहीं कर रहे। उसके उस चीज रोड खराब को लेकर के यहां पे काफी पब्लिकों में आक्रोश मची हुई है। यहाँ पे पब्लिकों का ये कहना है कि यहाँ पे रोड सही तरीके से बन जाए। यहाँ के ये प्रधान है उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो क्या बताते हैं। जी प्रधान जी आपका क्या कहना है, ये जो रोड खराब है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर ये जो रोड है हमारे 10 गांव से लिंक होता है जी, हम राष्ट्रीय मार्ग से हम जुड़े नहीं हैं, हम रास्ते के अभाव में हम लोग समझ लीजिए कि रास्ता विहीन है। हम लोग को आवागमन के लिए इतनी परेशानी हो रही है इसका कोई कहना क्या कहें हम। जैसा कि आपने देखा प्रधान जी बता रहे हैं कि रोड काफी खराब है लेकिन यहाँ पे कोई भी तरीके कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। कैमरामैन अखिल सिंह के साथ मैं रिपोर्टर राहुल से तो फास्ट न्यूज इंडिया वाराणसी। खबरों का सिलसिला यहीं पे समाप्त होता है। आगे खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए फास्ट न्यूज इंडिया। धन्यवाद।